हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 में न्यू चैप्टर करते हैं दो चरों वाले रैखिक या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, रैखिक समीकरण देखो क्या होते हैं दो चर में। दो चर में रैखिक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, मतलब कॉन्स्टेंट है, उसको यहां रख लो या यहां रख लो एक ही बात है। ठीक है, जैसे हमारे पास समीकरण हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी हुई है दो एक्स प्लस पांच वाई बराबर तीन या दो एक्स प्लस पांच वाई प्लस पांच बराबर जीरो, मतलब एक ये जो कांस्टेंट है, जो अचर राशि है, वो या तो लेफ्ट में पड़ी होती है या राइट में होता है। क्लियर है, रैखिक का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों की घात क्या होनी चाहिए, एक एक। अब युग्म की बात कर रहे हैं तो मतलब दो समीकरणें होंगी, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो या ए वन एक्स बी वन वाई बराबर सी वन, और दूसरी समीकरण मैं लिख देता हूं ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इस चैप्टर में क्या करना है, दो समीकरणें दे रखी होंगी, उनको हल करना है। उनको हल करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक तो है ग्राफीय विधि द्वारा हल, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा हल, ठीक है, ये तो लास्ट में होगा। एक है, बाकी जो है ना वो है बीजगणितीय विधि रैखिक समीकरण को हल करने की। बीजगणितीय विधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, और तीसरी हल करने की विधि है वज्र गुणनफल विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और विलोपन को कहेंगे एलिमिनेशन और इसको कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ आएगा ना तो यही आएगा कि वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, नहीं तो नेम से कभी नहीं आता। तो सबसे ज्यादा हमने जो प्रैक्टिस करनी है ना वो विलोपन विधि की करनी है। नहीं लिखा होगा ना तो हम इसी मेथड से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ग्राफ का तो लिखा ही हुआ आएगा, ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो बड़े मार्क्स में आएगा, तो उसको लास्ट में सिखाएंगे ग्राफ को। ठीक है, अब आप पहले इसको नोट कर लो विधियों के नाम। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में देखो क्या होता है, किसी एक समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू, मतलब एक्स या वाई का मान निकाल के ना दूसरी समीकरण में रख देना है। जो मान इजिली निकलते हैं ना वही निकालना है। जैसे देखो क्या है कि अगर हम यहां से x का मान निकाल लें और उसको इस समीकरण में रख दें तो फिर हमारे पास x का आंसर आ, y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर x का मान समीकरण इससे निकाल के इसमें रख दें, किसी से भी जिससे इजी लगता है ना उसी से ही करना है आपको। देखो क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण एक लिख देते हैं, तथा दूसरी समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो जब y उधर जाएगा ना तो हमने ये पढ़ा हुआ है, तो प्लस वाला है ना तो उधर जाके माइनस होता है और माइनस है तो उधर जाके प्लस होता है RHS में जाके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो अब देखो क्या है, x की जगह हम रख देते हैं 4 प्लस वाई बराबर 14, तो y प्लस वाई ये हो जाता है 2y। अब 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 14 माइनस 4, तो 14 माइनस 4 होता है 10, ये गुना वाला ये भाग में आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 5। ठीक है, अब y का मान 5 हम समीकरण एक में रख दो या दो में, दोनों में कहीं भी रख दो सेम आंसर आएगा, तो मैं समीकरण दो में रखता हूं, समीकरण दो से, तो y का मान हम रख देते हैं 5, तो x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, ये इसका हल हो गया।
इसको देखो क्या है, ये दोनों मान ना दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए अगर आप चेक करना चाहते हो। जैसे x की जगह 9 रखा, y की जगह 5, तो 9 प्लस 5 14, 14 बराबर 14। यहां x की जगह 9 रखा, y की जगह 5, तो 9 बराबर 4 प्लस 5 मीन्स 9 बराबर 9। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमें y से करके दिखाओ, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 से हल करो, समीकरण 2 से हल करो, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड भी कर देता हूं कि अब मैं अगर y निकाल के करूं, जैसे हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 14, तो मैं यहां से y निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स। और दूसरी समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख दो, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई की जगह आ जाएगा 14 माइनस एक्स बराबर 4, तो आ जाएगा x माइनस 14। ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि बार माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे ना तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, x बराबर 4, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 4 प्लस 14, तो x बराबर आ जाएगा 18 और गुना वाला चला जाएगा भाग में, तो x बराबर आ गया 9। ठीक है, अब x का मान कहीं भी रख लो, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूं, समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा y बराबर 14 माइनस 9, तो मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 5, ये समीकरण का हल आ गया। ठीक है, क्लियर, नाउ यू कैन नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, दो समीकरण दे रखे हैं, इनको हल करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किससे मान निकालना ज्यादा इजी है। तो देखो जो पहले वाली समीकरण है ना, यहां से मैं s का मान निकाल लेता हूं, तो आ जाएगा 3 प्लस टी, माइनस टी इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसको लिख दिया समीकरण 1। तो दूसरी समीकरण है एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये जो समीकरण है ना, ये बटे के रूप में है, तो पहले इसको सरल कर देते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 का लघुत्तम लेते हैं, आ जाएगा 6, 6 को 3 से भाग दिया 2, 2 को ऊपर गुना किया 2s, मतलब लघुत्तम लिया है, यहां भाग देंगे तो 3, 3 को ऊपर गुना किया t बराबर 6। अब इसको 6 को यहां गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 आ जाएगा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, s का मान यहां रख देंगे, तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से। अब s का मान है 3 प्लस टी, तो s का मान यहां रख देते हैं 2 में, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। 2 को 3 से गुना किया आ जाएगा 6, 2 को t से गुना किया आ जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये दोनों जो लाइक है ना, जो समान पद है, वो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5t, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30, और t बराबर आ जाएगा 30 बटे 5, और t बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, समझ गए। अब t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, तो s बराबर है 3 प्लस टी, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6, s बराबर 9। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखो किसको हल करना ज्यादा इजी है, जो सिंगल होता है ना उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश क्या करो, अगर दोनों के साथ ही संख्या दे रखी है तो कुछ भी निकाल लिया करो। अब यहां से y निकालना ज्यादा इजी है, तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं 3x माइनस y बराबर 3, तो y को मैं यहां ले जाता हूं और 3 को यहां ले जाता हूं, जब 3 यहां आएगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, और y उधर चला जाएगा तो वो प्लस में, तो ये तो होगी समीकरण 1, तथा 3x माइनस y बराबर 3 समीकरण 2। अब मैं लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से 3x माइनस, और ये लिख देता हूं 3x माइनस 3 बराबर 3, ब्रैकेट खोलेंगे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3, तो 3 बराबर 3 ये सत्य है ना, अगर ऐसी कंडीशन आती है ना जब सत्य है, जो कि सत्य है,
अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है, मतलब x और y का कोई भी मान हो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, अनंत हल है। अगर ऐसे आ जाता है ना 3 = 5 तो सत्य नहीं है, तो उसका मतलब होता है कोई भी हल नहीं है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट मार्क में देखो दशमलव में आ गए, तो सॉल्यूशन में क्या है, पहले दशमलव को सोल्व कर देते हैं, क्योंकि सत्य ना एक अंक पहले दशमलव है या दशमलव के बाद ही एक अंक है इस टाइप से। तो अब देखो जब मैं इस दशमलव को हटाता हूं ना, तो आ जाएगा 2x/10, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 3y/10, दशमलव हटाएंगे एक और एक अंक है तो 10 आ जाता है। अब लघुतम लेते हैं, इन दोनों का लघुतम हो जाता है 10, तो ऊपर समान ही आ जाएगा क्योंकि नीचे दोनों के 10 है। अब ये 10 से 10 कट गया तो आ गया 2x + 3y = 13, ये समीकरण एक होगी, ठीक है। तथा 0.4x 0.5y = 2.3, तो सबके नीचे एक ही है, तो इस टाइप से मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि 10 10 10 तीनों के नीचे आएगा और कट जाएगा, ठीक है। अब x और y दोनों के साथ संख्याएं हैं, तो मैं यहाँ से ना x का मान निकाल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 23 - 5y, तो x का मान आ जाएगा 23 - 5y/4, ये समीकरण दो होगी, मतलब समीकरण एक व दो से। अब देखो क्या है, अब x का मान समीकरण एक में रख देते हैं तो क्या आएगा 2, x की जगह रख देते हैं 23 - 5y/4 + 3y = 13। मैं क्या करूंगा, 4 लघुतम ले लेता हूं, ठीक है, 2 को 4 से काट भी सकते हैं, मैंने चलो 4 लघुतम ले लिया, 2 को अंदर 23 से गुना किया तो आ जाएगा 46, 2 को 5 से गुना किया तो आ जाएगा 10y, लघुतम लिया तो आ जाएगा 12y = 13। यह आ जाएगा 46 - 10y + 12y, तो आ जाएगा प्लस का 2y, 4 इधर जाके गुना हो जाएगा तो यह आ जाएगा 52, तो आ जाएगा 2y = 52 - 46, 2y = 52 - 46 आ जाएगा 6, और y = 6/2, तो y का मान आ गया 3, ठीक है। अब इसको कहीं भी रख दो, एक में रख दो, दो में रख दो, तो मैं दो में रख देता हूं। समीकरण दो से x = 23 - 5y की जगह रख दिया 3/4, तो आ जाएगा 23 - 15/4, 23 - 15 हो जाएगा 8 8/4, तो x का मान आ गया 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, पहले पहली समीकरण लिख देता हूँ √2x + √3y = 0, ये समीकरण एक आ गई। तथा √3x - √8y = 0। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं x का मान निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा √3x = √8y, x = √8/√3y, ये समीकरण दो होगी। समीकरण एक व दो से, मतलब दो से x का मान ना समीकरण एक में रखते हैं तो क्या आ जाएगा √2, x का मान रख दिया तो आ जाएगा √8/√3y + √3y = 0। यहां से y कॉमन आ रहा है तो मैंने y कॉमन ले लिया नेक्स्ट लाइन में, बाकी क्या बचेगा, √2 को √8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √16, √16 का वर्गमूल होता है 4/ √3 + √3 = 0। अब ये जो y के साथ गुना में है ना, इसको बटे में ले जाएंगे, ठीक है, तो 0 के बटे में कुछ भी हो आंसर क्या होता है 0।
ठीक है, तो y का मान आ गया जीरो। समीकरण दो से यहां y का मान रख देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट आठ बटे अंडर रूट तीन गुना जीरो, मतलब x बराबर जीरो। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या है, अब आप सीधा भी याद रख सकते हो, अगर कोई भी रैखिक समीकरण है और उसमें अचर पद नहीं है, तो दो रैखिक समीकरणों का जो हल होगा ना, इन दोनों में अचर पद नहीं है, तो इसका जो हल होगा वो हर बार होगा x बराबर जीरो y बराबर जीरो। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर आता है ना, अगर उनमें अचर पद नहीं है तो वहां सोल्व मत करके देखना, सीधा लिख देना x बराबर जीरो y बराबर जीरो, क्योंकि देखो दोनों में अचर पद नहीं है तो आंसर क्या आ रहा है, x बराबर जीरो y बराबर जीरो। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, फिर बटे में आ गया, तो हम इनका लघुतम लेंगे। पहले क्या है, तीन एक्स बटे दो माइनस पांच वाई बटे तीन बराबर माइनस दो, भिन्न संख्या है, तो पहले इसका लघुतम ले लेते हैं, दो और तीन का लघुतम आ जाएगा छः, छः को दो से भाग दिया तीन, तीन को ऊपर तीन से गुना किया तो आ जाएगा नौ एक्स, ऐसे ही आ जाएगा दस वाई बराबर में माइनस दो, तो आ जाएगा नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस बारह। यह समीकरण एक आ गया, तथा x बटे तीन प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः, इन दोनों का लघुतम लेंगे आ जाएगा छः, छः को तीन से भाग दिया दो, दो को ऊपर गुना किया दो एक्स, छः को दो से भाग दिया तीन, तो आ जाएगा तीन वाई, ये दोनों के नीचे छः है तो हम काट सकते हैं, तो आ जाएगा दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर तेरह। मैं क्या करूँगा, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालेंगे ना तो आ जाएगा दो एक्स बराबर तेरह माइनस तीन वाई, x बराबर आ जाएगा तेरह माइनस तीन वाई बटे में दो। ठीक है, अब इस मान को समीकरण एक में रख देते हैं, तो मैं लिखता हूं समीकरण एक व दो से आ जाएगा नौ, यहां जाएगा तेरह माइनस तीन वाई बटे में दो माइनस दस वाई बराबर माइनस बारह, यहां x की जगह मान रख दिया ये वाला। अब गुना करते हैं, तेरह को नौ से गुना करेंगे तो आ जाएगा एक सौ सत्रह, पूरे का लघुतम आ रहा है दो, नौ को तीन से गुना करेंगे तो आ जाएगा सत्ताईस वाई, लघुतम लिया तो आ जाएगा बीस वाई बराबर में माइनस बारह। एक सौ सत्रह माइनस सैतालीस वाई आ जाएगा माइनस का चौबीस, माइनस सैतालीस वाई बराबर माइनस चौबीस माइनस एक सौ सत्रह, माइनस सैतालीस वाई बराबर माइनस एक सौ इकतालीस, माइनस और माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा एक सौ इकतालीस बटे सैतालीस, भाग दे देंगे ना तो वाई का मान आ जाएगा तीन। ठीक है, भाग देने से बस सैतालीस के पाड़े में आता है। अब वाई का मान समीकरण दो में रख देते हैं, समीकरण दो से एक्स बराबर तेरह माइनस तीन तीन बटे में दो, यहाँ ब्रैकेट में रख दिया मान, ब्रैकेट का मतलब इन दोनों को गुना करना है, तो आ जाएगा तेरह माइनस नौ बटे दो, तो एक्स का मान आ जाएगा चार बटे दो, मीन्स एक्स बराबर दो, जो जो मान निकाल रहे हैं ना उसको बॉक्स में रख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, समीकरणों को हल भी करना है, मतलब एक्स वाई के मान निकालने, उसके बाद एक चर राशि m का भी मान निकालना है, मतलब क्या है कि जो एक्स वाई के मान आएंगे ना उनको यहां रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, सबसे पहले दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर ग्यारह, यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, दो एक्स बराबर ग्यारह माइनस तीन वाई, तो x बराबर आ जाएगा ग्यारह माइनस तीन वाई बटे में दो, यह समीकरण एक होगी, तथा दो एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस, ये समीकरण दो होगी। समीकरण एक व दो से एक्स का मान यहां रख देते हैं, तो दो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, हम लघुतम लेके भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहां कट रहा है ना तो मैंने काट दिया इसको, ठीक है, तो लघुतम नहीं लेना पड़ेगा।
11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो आ जाएगा माइनस 3y माइनस 4y, ये आ जाएगा माइनस का 7y, 11 उधर जाके ये भी हो जाएगा माइनस का 11। तो आ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस माइनस कट गया 35/7, तो y का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब y का मान 5 ना हम समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में, तो हम समीकरण एक में रखते हैं। समीकरण एक से x बराबर 11 माइनस 3 5 बटे में 2, तो इसको गुना कर देते हैं, 11 माइनस 15 बटे में 2 माइनस 4 बटे में 2, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, y का मान 5 आ गया, x का मान माइनस 2। अब m का मान निकालना है ना, तो y का मान है mx प्लस 3, y का मान रखते हैं 5, x का मान माइनस 2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं प्लस 3। तो 3 को यहां ले आते हैं, 3 इधर आके माइनस में हो गया और यह माइनस 2m, गुना कर दिया इनको, तो आ जाएगा 2 बराबर माइनस 2m। हमने m का मान निकालना है, तो ये माइनस 2 है ना जो गुना में, ये बटे में चला जाएगा, तो m का मान आ जाएगा माइनस का 1। ओके,